हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप गुरु ऐप में फर्स्ट टाइम स्टॉक कैसे बाय कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने गुरु ऐप के ऊपर 2-3 वीडियो बनाया था और फिर इस बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि गुरु ऐप में कैसे स्टॉक बाय करते हैं, कैसे रिसर्च किया जाता है, कौन सा कंपनी अच्छा है, इसी सब के बारे में थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा था। क्योंकि मैं अभी न्यू ट्रेडर बना हूँ तो मुझे उतना पता नहीं था, बट अभी थोड़ा पता हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका प्राइस जो है वो 100 रुपये से नीचे है, और आप 100 रुपया जो आपको मिला है साइनअप बोनस, आप उसी पैसा से ना आप 2 शेयर बाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आप फर्स्ट टाइम गुरु ऐप में स्टॉक कैसे बाई कर सकते हैं, शेयर कैसे बाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं आपको इंट्राडे के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको होल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप आज शेयर खरीदते हैं तो वो पैसा आपका 2 साल 3 साल 10 साल के बाद वो पैसा जो बहुत होने वाला है। अगर आप इंट्राडे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इंट्राडे के बारे में भी बताऊंगा कि आप बहुत सारे पैसा लगा के आप बहुत सारे पैसा एक दिन ही कैसे कमा सकते हो। बट होल्डिंग में क्या होता है, आप जो पैसा आज लगाओगे उसका 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे करके बढ़ते 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 1 साल 2 साल बाद जो है वो पैसा बहुत हो जाता है। तो आज मैं सिर्फ आपको 100 रुपया से बताने वाला हूँ कि आप 100 रुपया के अंदर में अपना शेयर कैसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आज हम जानेंगे गुरु ऐप से स्टॉक कैसे बाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गुरु ऐप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना लॉक गुरु ऐप को अनलॉक कर लेते हैं। और आप मेरे प्रोफाइल में आके देख सकते हैं, अभी मेरे प्रोफाइल में यहाँ पर 100 रुपीस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि मुझे मिला था रेफरल बोनस, यानी कि शिवशंकर कुमार इन्वाइटेड यू। अगर आपका अकाउंट अभी तक गुरु ऐप में नहीं है और आपको 100 रुपया फ्री में नहीं मिले हैं, आप मेरे लिंक से डाउनलोड कीजिए, अकाउंट बनाइए, उसके बाद आपको 100 रुपया मिल जाएगा। उसके बाद आप स्टार्टिंग में 100 रुपया से स्टॉक बाई कर सकते हैं और अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास 2100 रुपया है, तो यहाँ पर मैं 100 रुपया से स्टॉक बाई करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ऑल स्टॉक्स में क्लिक करूँगा, और यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी है जैसे आप ये देख सकते हैं। तो इन कंपनी सब का स्टॉक ख़रीदने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो यहाँ पर मैं छोटे कंपनी को ढूँढूँगा जो जिसका शेयर प्राइस कम से कम 10-15-20-50 रुपया हो, मैं वैसा कंपनी ढूँढूँगा। तो पहले मैं यहाँ पर फिल्टर में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्लोज प्राइस में क्लिक करूँगा। क्लोज प्राइस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा 0 to 100 और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद आप ये देख सकते हैं कौन सा कंपनी कितना रिटर्न दे रहा है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यस बैंक माइनस में जा रहा है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये भी माइनस में जा रहा है, वोडाफोन आइडिया सक्सेस नहीं है, इसको मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया ये भी सक्सेस नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन देता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं नेशनल एल्युमिनियम, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि इसका रिटर्न रेट जो है ना 3.63% है। तो मैं इसमें क्लिक करूँगा और मैं इसका पहले प्राइस देखूँगा कि ये 5 साल में कितना ग्रो किया है, 3 साल में कितना ग्रो किया है, 1 साल में कितना ग्रो किया है, 1 महीना में कितना ग्रो किया है, 1 वीक में कितना ग्रो किया और 1 डे में कितना ग्रो किया है। तो पहले मैं यहाँ पर 5 ईयर में क्लिक करूँगा और आप ये देख सकते हैं पहले इसका प्राइस था 54 के आसपास, फिर ये लॉकडाउन में इसका प्राइस हो गया था 28-29 के आसपास, और अब इसका प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, जिसका आप ये देख सकते हैं 50-60-70-71-88, अभी 88 में इसका प्राइस जा रहा है। तो यहाँ पर मैं 1 वीक में भी देख लेता हूँ, वन डे में देख लेता हूँ, यहाँ पर 3.68 का ग्रो है, और यहाँ पर 1 वीक में भी अच्छा है, 2.61% का यहाँ पर ये कंपनी ग्रो कर रहा है, इस स्पीड में ये कंपनी ग्रो कर रहा है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8.77% यहाँ पर ये कंपनी ग्रो कर रहा है। तो मैं इसी कंपनी का स्टॉक बाई करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा बाई में, आप अपनी अकॉर्डिंग देख लेना कि आप कौन सी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो और आप इसका अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हो, आप नीचे में आकर आप इसका मार्केट डेप्थ देख सकते हो, और यहाँ पर फंडामेंटल भी आप देख सकते हो। उस सब जानने के लिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा स्टॉक मार्केट का, बट मैं इतना में खुश हूँ। तो यहाँ पर मैं बाई में क्लिक करता हूँ
और यहाँ पर मैं एक ही शेयर बाय करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 100 रुपया है और एक शेयर का प्राइस है इसका 88 रुपया, तो 88 रुपया तो मेरा वैसे भी चला जाएगा और मेरे पास बचेगा सिर्फ 12 रुपया। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा टाइप में डिलीवरी में, ओके डिलीवरी अच्छा रहेगा तो मैं डिलीवरी में क्लिक करूँगा। और तो यहाँ पर मैं डिलीवरी में क्लिक करूँगा और इस तरह से डिलीवरी में क्लिक करूँगा। डिलीवरी में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर NSC या BSC सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं BSC सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है मार्केट प्राइस, तो यहाँ पर मैं मार्केट प्राइस में इसको बाई कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर मैं बाई के बटन में क्लिक कर देता हूँ। बाई में क्लिक करने के बाद जो है ये मेरा स्टॉक बाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डर डिटेल्स में जाके ये देख सकते हैं कि मेरा बाई हुआ है कि, तो आप ये देख सकते हैं 89 रुपीज़ में ये मेरा स्टॉक बाई हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और अब हम देखते हैं हमें कितना रिटर्न मिला है, जिसका आप ये देख सकते हैं। जब आप स्टॉक में आएंगे, डैशबोर्ड में आएंगे, तो आपको दिखाई देगा कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है अभी के टाइम पर। तो मुझे अभी मिला है 0.20 पैसा, जिसका आप ये देख सकते हैं। अगर मैं प्रोफाइल में क्लिक करूँ तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास अब सिर्फ 10 रुपया और 89 पैसे बाकी है। तो यहाँ पर मैं एक और स्टॉक बाई कर लेता हूँ जिसका प्राइस कम से कम 10 रुपया के आसपास हो। ओके तो यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ एक्सप्लोर में, ऑल स्टॉक्स में, शॉर्ट फिल्टर में, और यहाँ पर मैं क्लोज प्राइस दे देता हूँ 100 और अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आपको दिख जाएगा, जो कंपनी आपको अच्छा दिखे आप उसमें क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर एक कंपनी ढूंढ लेता हूँ जिसका प्राइस जो है कम से कम 10-15 रुपया के आसपास हो। तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसका, नहीं ये अच्छा नहीं है, इन सब का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक कंपनी है JP पावर वेंटर, तो इसमें हम क्लिक करते हैं और देखते हैं इसका ग्रोथ कैसा है। भाई ये कंपनी तो लॉस में जा रहा है तो मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूँगा और देखते हैं किसका प्राइस कम है। रिलायंस पावर ये सला बेकार है, तो मैं ढूंढता हूँ कोई ऐसा कंपनी। साउथ इंडियन बैंक, इसका भी लॉस में जा रहा है, इतना ग्रो नहीं कर रहा है। और देखते हैं हम जिस कंपनी का मार्केट प्राइस 10 रुपया से कम हो, मैं उसको ढूंढूंगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शंस है 3i Infotech, मैं इसमें क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि इस ये कंपनी कितना ग्रो कर रहा है। तो 1 डे में इसका माइनस में जा रहा है, 1 वीक में प्लस है, 1 मंथ में माइनस है, 1 ईयर में प्लस है, 3 ईयर में प्लस है, 5 ईयर में प्लस है। तो ये कैसा कंपनी है मुझे थोड़ा पता करना होगा। पहले इसका प्राइस इतना था, ये उतना ग्रो नहीं करेगा तो मैं इसको छोड़ देता हूँ और मैं दूसरा कंपनी देखता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है Shree GLB ट्रेड फाइन, तो मैं इसमें क्लिक करके देखता हूँ ये कंपनी कितना ग्रो कर रहा है। भाई साहब ये कंपनी तो लगातार ग्रो कर रहा है, जिसका आप ये देख सकते हैं 1 डे में 2.44% की रफ्तार से ग्रो की है, 1 वीक में 6.53 का रफ्तार से ग्रो किए हैं, 1 मंथ में 29% के रफ्तार से ग्रो किए हैं। और आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, फंडामेंटल देख सकते हैं। तो ये सब मैं उतना नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर इसका ग्राफ देखता हूँ कि ये कंपनी आगे बढ़ रहा है या घट रहा है, नीचे जा रहा है। तो भाई ये कंपनी जो अभी आगे बढ़ रहा है, जिसका आप ये देख सकते हैं पहले 3 रुपया, 2 रुपया, ऐसे ऐसे करके करके अब 7 रुपया 98 पैसा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बाई में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा BSE और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा डिलीवरी और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ है 10 रुपया। तो यहाँ पर मैं एक ही शेयर यहाँ पर बाई करूँगा, तो यहाँ पर मैं एक रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं बाई में क्लिक कर देता हूँ और मैं डन में क्लिक कर देता हूँ। और आप ये देख सकते हैं मेरा कंपनी यानी कि मेरा 2 स्टॉक यहाँ पर बाई हो चुके हैं और आपको एक दिन में कितना रिटर्न मिले हैं आप वो अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आप इन सब को छोड़ दीजिए और आप 1 साल बाद देखिएगा कि आप 100 रुपये से कितना ज़्यादा पैसा कमा लिए होंगे। अगर आप रेफ़र करके और भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप रेफ़र कीजिए अपने फ्रेंड को, आप प्रोफाइल में क्लिक कीजिए, जहाँ पर क्लिक कीजिए और आप इस अर्न मोर में क्लिक करके आप इस लिंक को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। अगर आपका फ्रेंड आपके लिंक से डाउनलोड करेगा तो आपको 100 रुपया मिलेगा और उसको भी 100 रुपया मिलेगा और आपको जो 100 रुपया मिलेगा आप उसी पैसा से आप और भी स्टॉक बाय कर लीजिएगा। ओके
अगर आप इसी तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे बहुत सारे हैं तो आप मनी ऐड भी कर सकते हैं। आप ऐड मनी में क्लिक कीजिए और आप कितना पैसा अपने बैंक अकाउंट से ऐड करना चाहते हैं ग्रो ऐप में, वो अमाउंट आप यहाँ पर टाइप करके ऐड मनी में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है आपके यहाँ पर पैसा ऐड हो जाएगा और आप उस पैसा से जो है और भी स्टॉक बाई कर सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े कंपनी हुआ TCS और टाटा स्टील, टाटा मोटर, ये सब जो है ना, आप इन कंपनी सब में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनी सब बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट से स्टॉक कैसे बाय करना है, शेयर कैसे बाय करना है और परचेज करना है, सेल कैसे करना है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपके पास अगर कोई शेयर है जो कंपनी लॉस में जा रहा है, आप उस कंपनी का शेयर कैसे बेच सकते हो। ओके।